नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी, आज ये कहावत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सही साबित होती है। आज देश के न्यायालय ने दर्शा दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए। जो पंजाब पुलिस, जिसने अपनी वीरता से आतंकवाद को परास्त किया, उस पंजाब पुलिस के ऊपर अगर किसी ने डिफेम करने का काम किया है तो उसके लिए अकेला व्यक्ति कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने 5 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर फौरी रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही मोहाली कोर्ट के उस फैसले पर भी अंकुश लग गया है, जिसमें कोर्ट ने बग्गा की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस को आदेश दिया था। गिरफ्तारी से राहत मिलने के बाद तजिंदर बग्गा ने मीडिया से बातचीत में अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। कहा कि एक कहावत है, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये कहावत सत्य हो रही है। मंगलवार को बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के लिए राहत लेकर आया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 जुलाई तक बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पंजाब पुलिस को तगड़ा झटका दिया। यानी कि 5 जुलाई तक पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताते हुए बग्गा ने कहा कि मैं उच्च न्यायालय का, भाजपा का, मीडिया का, दिल्ली और हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। और अगर अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि वो FIR करके हमें डरा लेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। तजिंदर बग्गा ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बग्गा ने कहा कि एक कहावत है, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। आज दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये कहावत सत्य हो रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।